स्वच्छ भारत मिशन के सफल क्रियान्वयन के बाद वर्ष 2019 तक भारत के अधिकतर क्षेत्रों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया। नगरीय निकाय भी इसमें पीछे नहीं रहे, लेकिन नगरीय क्षेत्र में शौचालय का उपयोग करना ही काफी नहीं है, क्योंकि शौचालय के उपयोग के पीछे असली मकसद था मानव मल को इंसान और वातावरण के संपर्क में आने से रोकना, और ये तभी संभव है जब मानव मल का सही निपटान किया जाए। क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में अधिकतर सेप्टिक टैंक वाले शौचालय हैं, इसलिए इनकी नियमित सफाई होना भी आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है स्वच्छता मूल्य श्रृंखला का सही सही पालन हो। स्वच्छता श्रृंखला के पालन के लिए आवश्यक है शौचालयों का सही तकनीक से निर्माण, सेप्टिक टैंक को नियमित तौर पर खाली करवाना, मानव मल को सुरक्षित ढंग से मल उपचार संयंत्र तक स्थानांतरित करना और मल उपचार संयंत्र में मल का उचित निपटान, ताकि उपचारित मल का पुनः उपयोग हो सके। पीथमपुर नगर पालिका परिषद इन समस्त उद्देश्यों को पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद पीथमपुर का औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से अपना ही महत्व है, और मानव मल के निपटान संबंधी यहाँ की अपनी चुनौतियां हैं। बहरहाल सेप्टिक टैंक की सफाई को लेकर पीथमपुर नगर पालिका परिषद ने अपनी एक व्यवस्था कायम की है। इसके अंतर्गत 144-20 नंबर पर फोन करके या QR कोड स्कैन करके नगर पालिका परिषद से संपर्क कर सेप्टिक टैंक खाली कराने का आवेदन किया जा सकता है। साथ ही नगर पालिका पीथमपुर द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सेप्टिक टैंक खाली करते समय नियत प्रक्रिया एवं नियमों का पालन हो। आइए देखते हैं कि सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय किन किन प्रक्रियाओं एवं नियमों का पालन करना चाहिए। हर 3 साल में एक बार सेप्टिक टैंक खाली करना आवश्यक है। हालांकि बनावट के मापदंड के आधार पर 1 साल या 2 साल में एक बार सेप्टिक टैंक को साफ किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में सफाई का अंतराल 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सेप्टिक टैंक खाली करने के दिन टीम को चिन्हित परिवारों का दौरा कर उनकी उपलब्धता और तैयारी की पुष्टि की जाए। ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सेप्टिक टैंक का कवर खुला है। इसके साथ ही टीम के द्वारा संभावित खतरों के लिए कार्यस्थल का निरीक्षण किया जाए, जैसे कि कार्यस्थल से लोगों को हटाना एवं उच्च भूजल स्तर की पहचान करना जो टैंक के खाली होने पर टैंक में भर सकता है। ट्रक ऑपरेटर के द्वारा सेप्टिक टैंक के कवर की स्थान की पहचान करने के लिए एक त्वरित सर्वेक्षण किया जाए, ताकि सक्शन पाइप बिछाने के लिए पहुंच मार्ग से वो परिचित हो सके। ट्रक ऑपरेटर वैक्यूम ट्रक को जितना हो सके सेप्टिक टैंक के पास रखें। आमतौर पर ट्रक की दूरी 25 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक से मल निकलने की प्रक्रिया के पूर्व ट्रक ऑपरेटर और हेल्पर संभावित खतरों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE किट जैसे सुरक्षात्मक कपड़े, हेलमेट, दस्ताने आदि का उपयोग करें। ट्रक संचालक और सहायक ट्रक से सक्शन पाइप को सेप्टिक टैंक के कवर तक लेकर आए। यदि वैक्यूम ट्रक से सेप्टिक टैंक तक की दूरी लंबी है तो लंबे पाइप का उपयोग करें। लंबे पाइपों की अनुपस्थिति में 2 या 3 पाइपों को धातु के कपलिंग का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। यदि सेप्टिक टैंक के ढक्कन राजमिस्त्री द्वारा नहीं खोला गया है तो सेप्टिक टैंक के ढक्कन की मोटर सील को खोलें। सेप्टिक टैंक खाली करने के लिए पाइप को टैंक या गड्ढे से जोड़ें और ट्रक के पहियों में गुटका यानी व्हील चॉक्स का उपयोग करके ट्रक को सुरक्षित करें। सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पाइप अच्छी स्थिति में हो, पाइप में कहीं लीकेज ना हो और पाइप के कनेक्शन को वैक्यूम टैंकर में स्थित निर्दिष्ट स्थान पर अच्छी तरह से लॉक किया गया हो। टैंक या गड्ढे को खोलने के लिए सेप्टिक टैंक के प्रवेश द्वार या उसके ढक्कन को हटाएं।
स्लज सकिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले ट्रक ऑपरेटर हेल्पर के द्वारा टैंक के आउटलेट टी पाइप के नीचे स्कम लेयर की मोटाई और स्लज लेयर की गहराई को मापा जाए। इससे सेप्टिक टैंक से निकाले जाने वाले सेप्टेज की मात्रा का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। ट्रक ऑपरेटर हेल्पर हॉस पाइप की अंतिम लंबाई के साथ स्कम और सेप्टेज की परत की ऊंचाई दर्ज कर सकते हैं। ऊंचाई को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टील पीवीसी पाइप को जिसमें मार्किंग पहले से हो कीचड़ में डुबोया भी जा सकता है। ट्रक के ट्रांसमिशन से पावर टेक ऑफ यानी पीटीओ शाफ्ट का उपयोग करके वैक्यूम इक्विपमेंट को स्टार्ट करें। वैक्यूम गेज को देखकर नजदीकी वॉल्व से वैक्यूम यानी सक्शन प्रेशर को उचित स्तर तक बढ़ाएं। फिर पाइप के सिरे को सेप्टिक टैंक में डालें और इनलेट आउटलेट वॉल्व को पर्याप्त रूप से खोलें ताकि स्लज बाहर निकल जाए और टैंक में पहुंच जाए। वैक्यूम पंप सही ढंग से संचालित हो रही है कि नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए ट्रक ऑपरेटर उसकी ध्वनि को सुने। यदि ध्वनि कम या ज्यादा हो तब हो सकता है कि पंप अवरुद्ध या जाम हो। इस स्थिति में प्रशिक्षित टेक्नीशियन के द्वारा पंप की सफाई या मरम्मत करने की आवश्यकता होगी। पंप संचालन के दौरान ट्रक संचालक सहायक को पाइप के सिरे का उपयोग लगातार स्लज की परत को तोड़ने के लिए करें। आवश्यकता होने पर लंबे हाथ के फावड़े का उपयोग किया जा सकता है। स्लज का घोल बनाने के लिए पानी मिलाएं। ऑपरेटर सेप्टिक टैंक के तल में कम से कम 2 इंच की मानव मल की परत को छोड़े ताकि ये सीडिंग मटेरियल के रूप में कार्य कर सके। तत्पश्चात टैंक के ढक्कन को तत्काल बंद करें और राजमिस्त्री के द्वारा सीमेंट प्लास्टर के साथ सील करवाएं। ये सुनिश्चित करें कि स्लज में कोई भी गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री जैसे कि तेल ग्रीस आदि की उच्च एकाग्रता ना हो। सेप्टिक टैंक को खाली करने के पश्चात ट्रक ऑपरेटर पाइप को क्लैंप फिटिंग से हटाकर अलग करें और पाइप को ट्रक के हॉज रैक में सही जगह में रखें। साथ ही अन्य सभी उपकरणों को हॉज रैक में रखें। उचित शोषक सामग्री का उपयोग करके सेप्टिक टैंक के ढक्कन के आसपास हुए रिसाव को साफ करें। ढक्कन के ऊपर और सेप्टिक टैंक के आसपास के क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर डालें। दैनिक रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण के लिए पर्यवेक्षक के द्वारा दैनिक रिपोर्ट भरा जाए। दैनिक रिपोर्ट में कितना कचरा हटाया गया, टैंक या गड्ढे की स्थिति, मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कोई अनुशंसा या प्रणाली के उचित उपयोग के लिए कोई अनुशंसा हो तो उसमें बताएं। सेप्टिक टैंक खाली करने के बाद रहवासी के हस्ताक्षर प्राप्त करें। इस रिपोर्ट की एक प्रति गृह स्वामी को सौंप दें। ड्राइवर पहिए से गुटका यानी व्हील चॉक्स को हटा दें और ट्रक को रूट प्लान के अनुसार निकटतम FSTP पर ले जाएं। ये पीथमपुर के सागौर इलाके में स्थित FSTP प्लांट है जहां पीथमपुर नगरपालिका परिषद द्वारा मानव मल का उचित और सुरक्षित निपटान किया जाता है। ये प्लांट नेचुरल ग्रेविटेशनल सिस्टम के आधार पर कार्य करता है। यहां पहुंचने के बाद ट्रक ऑपरेटर FSTP ऑपरेटर समेत समस्त स्टाफ को कुछ बातों का पालन करना चाहिए। FSTP संयंत्र पर ट्रक के प्रवेश को सुरक्षा गार्ड रजिस्टर सिस्टम द्वारा दर्ज करें। ट्रक ऑपरेटर FSTP ऑपरेटर की उपस्थिति के दौरान एवं उसकी अनुमति से ही निपटान स्थल पर सेप्टेज को डिस्चार्ज करें। FSTP ऑपरेटर निम्नानुसार सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें। फेस मास्क, रबर ग्लव्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स, कार्य के दौरान आवश्यकता के अनुसार, यूनिफॉर्म, एप्रन, सेफ्टी शूज, गम बूट्स, सेफ्टी हेलमेट्स, फेस शील्ड के साथ। उपचार संयंत्र परिसर के अंदर जाने के बाद ट्रक ऑपरेटर निपटान स्थान के लिए निर्धारित मार्ग का प्रयोग करें। ट्रक ऑपरेटर ट्रक से सेप्टेज निकालने के लिए निर्दिष्ट स्थान यानी रिसीविंग पॉइंट पर ही ट्रक को पार्क करें एवं ट्रक को न्यूट्रल में रखें। पार्किंग ब्रेक लगाएं एवं पहियों में गुटका यानी व्हील चॉक्स रखें। FSTP ऑपरेटर ट्रक ऑपरेटर द्वारा दिए गए फॉर्म और उसकी जानकारी को सत्यापित करें।
कृपया ये सुनिश्चित करें कि FSTP ऑपरेटर एवं ट्रक ऑपरेटर दोनों ने सही PPE किट पहना है, जैसे कि यूनिफॉर्म, दस्ताने, मास्क, गमबूट, एप्रन आदि। FSTP ऑपरेटर सक्शन पाइप को स्लज प्राप्त करने वाले पाइप वर्क से जोड़ने की अनुमति देवे। ट्रक ऑपरेटर ये सुनिश्चित करें कि ट्रक और रिसीविंग पॉइंट के बीच पाइप कपलिंग को सही ढंग से जोड़ा गया है, ताकि सेप्टेज सुचारू रूप से प्रवाह हो सके। FSTP ऑपरेटर के संकेत पर ट्रक ऑपरेटर अपने टैंकर के आउटलेट वाल्व को खोले। FSTP ऑपरेटर ट्रक से पूरे सेप्टेज को खाली कराए। जब ट्रक ऑपरेटर ये सुनिश्चित कर दे कि ट्रक से सभी सेप्टेज को डिस्चार्ज कर दिया गया है, तब ट्रक ऑपरेटर के द्वारा सक्शन पाइप के वॉल्व को बंद कर देना चाहिए। FSTP प्लांट में सेप्टेज पहुंचाने और डिस्चार्ज करने के पश्चात ट्रक ऑपरेटर FSTP ऑपरेटर के हस्ताक्षर प्राप्त करे एवं FSTP ऑपरेटर को उनके रिकॉर्ड के लिए एक कॉपी दे। तत्पश्चात रूट प्लान के अनुसार अगले घर के लिए आगे बढ़े। सेप्टेज निकालने के तुरंत बाद ट्रक के टैंक को FSTP प्लांट पर ही अच्छे से धोएं, ताकि टैंक के अंदर शेष रहे कीचड़ को हटाया जा सके। टैंक को नियमित रूप से साफ करने पर टैंक के अंदर कीचड़ की परत का गठन होने से रोका जा सकता है। टैंक को धोने के दौरान इससे निकलने वाले कचरे को फिर से FSTP में ही डालें। सारी प्रक्रिया के अंत में साबुन से अच्छी तरह से हाथ अवश्य धोएं।